नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले रुख कानपुर का करेंगे। कानपुर जहां पर मुख्तार बाबा पर प्रशासन का एक्शन बदस्तूर जारी है। बाबा बिरयानी का एक और आउटलेट सील कर दिया गया है। बिरयानी का नमूना फेल होने पर यह कार्रवाई सुनिश्चित हुई। अब तक प्रशासन ने कुल 4 आउटलेट को सील किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अभिनव हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अभिनव, बाबा बिरयानी का एक और आउटलेट सील हो चुका है। अभी तक टोटल 4 आउटलेट्स को सील किया गया, नमूना फेल हुआ है बिरयानी का। लगातार मुख्तार बाबा पर प्रशासन का तिरंगा करता चला जा रहा है। हालांकि 8 जून को ही सभी सैंपल ले गए थे, लेकिन 24 जून को 3 आउटलेट के सैंपल आए थे, सैंपल फेल हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसके 3 आउटलेट को सील कर दिया था। और आज फिर जैनमऊ स्थित जिसन कॉलोनी में एक बाबा बिरयानी का एक और आउटलेट था, इसका सैंपल फिर से फेल हुआ। और ये इसमें पाया गया कि जो चावल बिरयानी में दूध होता था उसमें वो रंग मिलाता था, जिसके बाद अब प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके आउटलेट को सील कर दिया है। हालांकि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये खाद्य विभाग द्वारा की जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल उसी से जोड़ कर देखा जा रहा है कि जिस तरह से कानपुर में हिंसा में फंडिंग का आरोपी बना था, मुख्तार बाबा फंडिंग की है उसने, उस पर आरोप है। SIT जांच कर रही, पुलिस जांच कर रही, गिरफ्तार हो चुका है। इसके बाद से ही जिला प्रशासन लगातार उस पर एक्शन है, मुख्तार बाबा और उसके सहयोगियों पर तिरंगा करता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए अभिनव। अभिनव जुड़े जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मुख्तार बाबा, जिस पर बाबा बिरयानी का जो आउटलेट चलाता है उस पर धीरे धीरे करके शिकंजा कसता चला जा रहा है, और अब तक 4 आउटलेट्स को सील किया जा चुका है। तो वहीं सूबे के लिहाज से भी और बीजेपी के लिहाज से भी, दोनों ही लिहाज से बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी हैदराबाद से है, जहां पर आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दूसरे दिन राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। अमित शाह ने विपक्ष पर जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि PM पर कई आरोप लगाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे झूठा करार दिया। 18-19 साल की लड़ाई में देश के इतने बड़े नेता सभी विष पीते रहे और सोने की तरह निखर कर सामने आए। अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों में चुनाव जीतने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि चुनाव पहले जातिवाद क्षेत्रवाद पर लड़ा जाता था, लेकिन मोदी के नेतृत्व में राजनीति तब्दील हुई है और आज विकास और परफॉर्मेंस के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने 2 दिवसीय हैदराबाद प्रवास के दौरान कई सारी बातें कही हैं। हैदराबाद प्रवास के दूसरे दिन भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने किया। दर्शन के बाद मंदिर से बाहर आने पर उन्होंने कहा कि मां सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद स्थित श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मां लक्ष्मी जी के पावन दर्शन पूजन से मन अभिभूत हुआ है। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में यूपी में छापा लगातार जारी है। यूपी के हथियार तस्करों की भूमिका सामने आ रही है। कल NIA की टीम ने बुलंदशहर में छापेमारी की। नदीम नाम के व्यक्ति को साथ लेकर NIA की टीम गई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। कुर्बान अंसारी के बेटे नदीम को हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। लॉरेंस से जब पूछताछ की गई तो उसने कुर्बान इमरान गैंग का नाम लिया था। बुलंदशहर के खुर्जा से 8 लाख में
AK-47 खरीदी गई थी, सूत्रों के हवाले से खबर है। तमाम सबूतों को NIA माफ कीजिएगा शुरुआती तौर पर इकट्ठा कर रही है और इसके तार न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली तमाम जगहों पर खंगाले जा रहे हैं। तो इस बीच सूबे की सियासत से जुड़ी, विपक्ष से जुड़ी एक और अहम जानकारी है, वो अहम जानकारी है समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा और दूसरी सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद से ही सपा के कार्यकारिणी भंग करने की संभावना लगातार जताई जा रही थी। बताया जा रहा था कि पार्टी कार्यपरिषद के सम्मेलन के बाद नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का कहना है, अभी बहाल उनका पद रखा गया है। हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा को तगड़ा झटका लगा है। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही जगहों पर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल करी। ये दोनों ही सीटें सपा का गढ़ मानी जाती थीं। लगातार मिल रही शिकस्त के बाद शायद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नए सिरे से पार्टी को रिफॉर्म करना चाहते हैं और मजबूत फौज तैयार करने के लिहाज से ये तैयारी मानी जा सकती है। तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी भंग किए जाने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है तब से चार बड़े चुनाव में समाजवादी पार्टी पराजित हो चुकी है, उनकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती। समाजवादी पार्टी अपने राज्य की कार्यकारिणी या अपने मोर्चा प्रकोष्ठों को भंग करे, ये उसका आंतरिक मसला है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो जनता के बीच में आज समाजवादी पार्टी को देना ही पड़ेगा कि आखिरकार क्या कारण है कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है तब से लगातार चार बड़े चुनाव, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। इसकी जवाबदेही अखिलेश यादव जी स्वयं क्यों नहीं लेते हैं? वो राज्य की कार्यकारिणी पर जिम्मा थोपते हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों पर जिम्मा थोपते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही कोई क्यों नहीं बनती है? इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। देश में 1 जुलाई से पॉलिथीन बैन होने के बाद यूपी के सभी नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायतों ने 5000 क्विंटल प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया है। इसके साथ ही लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में अभियान में शामिल सभी निगमों को सम्मानित किया गया, जिनमें से लखनऊ नगर निगम प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करने में पहले स्थान पर रहा। इस कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री AK शर्मा और वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना मौजूद रहे हैं। मंत्री AK शर्मा ने बताया कि सिंगल प्लास्टिक का रोक लगाने का सबसे अच्छा है कि सभी लोग कैरी बैग का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की समस्या के बारे में लोगों को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रकृति को हम नहीं, प्रकृति हमें संरक्षण देती है। प्लास्टिक का मतलब हजारों गाय जैसे जीवों की सुरक्षा हम लोगों ने की है, उनको खाने से उनको बहुत नुकसान होता है, तो ऐसी अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस तरह की प्लास्टिक के विरुद्ध एक वातावरण निर्माण के लिए आज का कंक्लेव आयोजित किया गया है। इसमें हमारी जर्मनी की संस्था, जर्मनी की एम्बेसी और हमारे नगर विकास विभाग और पर्यावरण विभाग मिलकर के इन्होंने बहुत ही अच्छा ये काम किया है। लेकिन इस काम की अभी शुरुआत हुई है, 5 दिन का जो अभियान जो रेस शुरू हुआ था वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वो आगे चलते रहना चाहिए। प्लास्टिक को जब तक हम पूरी तरह से, सिंगल यूज प्लास्टिक को जब तक हम पूरी तरह से अपने जीवन से न निकाल दें, उसके व्यवस्थापन की और उसके विकल्पों की जब तक पूरी व्यवस्थाएं न हो जाए तब तक हमें ये अवेयरनेस फैलाने का और अन्य तमाम प्रयास करते रहने पड़ेगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इटावा से चित्रकूट तक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि टोल प्लाजा का काम तेजी से कराया जाए, जहां पर सड़क का काम बाकी रह गया है उसे भी तत्काल बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से जनपद चित्रकूट के लोगों को ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अवनीश कुमार ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप ये काम बहुत ही कम समय में पूरा किया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था कि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाया जाए, जैसा भी कमिश्नर साहब और डीएम साहब बता रहे हैं। अगर ये एक्सप्रेसवे को और प्रचारित किया जाएगा, इस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, चित्रकूट और इनके आसपास के एरियाज, महोबा शेष एरियाज में टूरिज्म को और डेवलप किया जाएगा, और ये पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी का रहेगा। इसको अभी शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी जालौन में, जिसका मध्य भाग है, वहां पर इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट तक का तो इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में अग्निपथ भर्ती को लेकर आरएलडी की युवा चौपाल हुई है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बीजेपी पर हमला, 2024 के चुनाव में सरकार को पलट देंगे, ये कहना है जयंत चौधरी का। 2024 के चुनावों के मद्देनजर सारी पार्टियों का मैराथन दौरा, बैठक बदस्तूर जारी है, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में आरएलडी की ये जो बैठक हुई है, युवा पंचायत, यह अग्निपथ योजना के विरोध में हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकनाथ चौधरी जी के द्वारा आज युवा पंचायत उन्होंने सौंपा के अंदर की इस पंचायत से 2024 का चुनाव इतना आसान समझते हैं, ये कुछ चुनावी मसला नहीं है। अगर सरकार नहीं बनाए, अगर नहीं मानेगी सरकार, अगर नौकरी नहीं देगी नौजवानों को, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। 24 में तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा, समय के बाद मान जाएगा। जब देश में किसी भी तरह के विपरीत हालात पैदा होते हैं, तब सेना के जवान ही सबसे आगे खड़े होते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना अपने आप को उस स्थिति से लड़ने के लिए झोंक भी देते हैं। कुछ ऐसे हालात असम से सामने आए हैं, जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और इस बाढ़ में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का कार्य जारी है और इन सब हालातों से निपटने के लिए एसएसबी के जवानों की भी तैनाती की गई है, जो बिना जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचा रहे हैं। और यही वजह भी है कि भारत माँ के इकलाल ने बाढ़ से लोगों की जान बचाने के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। असम में बाढ़ पीड़ितों की जान बचाते समय उत्तर प्रदेश के झांसी के सकरार गाँव के रहने वाले ब्रजेंद्र सिंह गौर शहीद हो गए हैं। घर का लाल ड्यूटी पर शहीद हो गया, इसकी जानकारी होते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो हजारों की तादाद में लोगों ने नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद शहीद जवान का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि असम राज्य के जो हालात हैं वो बाढ़ग्रस्त हैं और बेहद खराब चल रहे हैं। लोग प्रभावित स्थानों से पलायन करने को मजबूर हैं। सेना के जवान लगातार उनको बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आज हमारे बुंदेलखंड की धरा धन हो गई। सकरार के अंदर भारत माता की बलिवेदी पर एक शहादत देकर पूरी माटी का नाम गौरवान्वित किया, जैसे वीरांगना लक्ष्मीबाई, झलकारी भाई और गुलाम गोस खां ने किया था।
एक ऐसी स्थिति, उस स्थिति में जब लोग अपने प्राण बचाने के लिए आसाम में बाढ़ से परेशान होकर इधर उधर भाग रहे थे, उस आवास में नहीं थे, 24 घंटे लोगों की मदद और सहायता करने के लिए सरकार का बेटा ब्रजेंद्र सिंह गौर अपनी जान पर खेलकर निरंतर बिना थके रात और दिन लोगों को मदद पहुंचा रहे थे। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तराखंड के मसूरी विधानसभा स्थित आदर्श ग्राम के तौर पर स्थापित क्यारकुली गांव में ग्राम प्रधान कौशल्या रावत से वर्चुअल संवाद करने के बाद लगातार राज्य और केंद्र के जो अधिकारी हैं वो इस गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आदर्श ग्राम क्यारकुली में स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत योजना का बतौर मुख्य अतिथि निरीक्षण करने आई केंद्रीय पेयजल सचिव और डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन विनी महाराजन ने गांव में ग्रामीणों से बातचीत करी और कहा कि क्यारकुली गांव ने स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के कार्यों को बखूबी अंजाम दिया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान और समस्त ग्रामीण बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो ये पाया कि यहाँ के लोग बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं, उन्होंने जल जीवन मिशन का कार्य भी बहुत तेजी से यहाँ आगे बढ़ाया है और बहुत घरों में नल मिल रहा है, नल से जल मिल रहा है जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है और सीधा नल से पानी पिया जा रहा है, कोई आरोज वगैरह की जरूरत नहीं है। तो ये गांव अब तकरीबन इसमें सारा काम समाप्त हो चुका है, हर घर में हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही अच्छे क्वालिटी का उचित मात्रा में पानी मिलना शुरू हो गया। वहीं जनपद में कांवड़ यात्रा को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिहाज से जिलाधिकारी श्री अभिषेक रोहेला ने अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक कही है और इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसके लिए यात्रा रूटों पर यात्रा व्यवस्थाओं का चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और कोविड काल के 2 बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए डाक कांवड़ का आवागमन ज्यादा होने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने यात्रा रूट पर बनाए जाने वाले चेक पोस्ट पर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की तैनाती हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं। जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो उस तरह से है, लेकिन जैसा आपका आदेश होगा उस तरह से उसमें किया जा सकता है। 150 का हमारा ये है कि जाने का है, अब संख्या तो ज्यादा होती ही है और उसमें हम ये करें कि उनको स्थिति रोकना चालू करें तो एक आवश्यकता जो है परिवार को होगा ही, तो उसके संदर्भ में जो आप निर्णय लेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। तो कांवड़ यात्रियों के लिए तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मीटिंग्स की जा रही हैं और एक रूट मैप तैयार किया जाएगा ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि कोविड के 2 के बाद अब कांवड़ यात्रा का आगाज एक बार फिर से होगा और ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती जैसा भी है। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का ख्याल रखना। नमस्कार।